अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम शेप बिल्डर टूल को डिस्कस करेंगे। शेप बिल्डर टूल क्या होता है और हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको, जब हम पाथ फाइंडर की क्लास को डील कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि शेप बिल्डर टूल से भी आप जो है वो मज़ेदार शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इससे हम जो है वो बेहतरीन किस्म के लोगोस वगैरह भी बना सकते हैं। लोगोस में हमें बड़ी हेल्प करता है। डिफरेंट टाइम की शेप्स वगैरह हम जल्दी से इससे बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप पेन टूल से जो है वो ट्रेसिंग करें। ये हमारे पास टूल जो है वो बड़ी तेज़ी में हमें शेप्स वगैरह बना देता है। इसमें हमारे पास पाथ फाइंडर वाला काम तकरीबन ये थोड़ा बहुत कर रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पाथ फाइंडर वाली क्लास नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इलस्ट्रेटर की मजीद क्लासेस आपको बर वक्त मिलते रहें। सबसे पहले मैं ये हमारे पास यहाँ पे शेप बिल्डर टूल आ रहा है। शिफ्ट प्लस एम जो है वो इसकी क्या है, शॉर्टकट कमांड है। ठीक, कुछ शेप्स बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया मैंने और इसका जो है वो फिल मैं यहाँ से फिलहाल रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे एक एलिप्स बना लिया, सर्कल बना लेते हैं, और इसका जो है मैं फिल येलो कर रहा हूँ। और यहाँ से जो है मैं सिर्फ आपको शेप बिल्डर टूल को पहले बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी शेप्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो आपने क्या करना है, पहले दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद फिर शेप बिल्डर टूल लेना, फिर ये हमारे पास काम करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एरो में देखें, इसके साथ एक प्लस का निशान आ रहा है और एक जो है वो साथ जिस भी शेप के ऊपर जा रहा हूँ वहाँ पे क्या आ रहा है, एक जाली नुमा जो है वो हमारे पास शेप वगैरह बन रही है। ठीक है, आपने क्या करना, सिंपल इसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जहाँ जहाँ भी आप ड्रैग करते रहेंगे वहाँ वहाँ पे ये क्या करता रहेगा, हमारे पास शेप्स को ऐड करता रहेगा। ठीक है, अब ये देखें इसने क्या कर दिया, हमारे सिंगल क्लिक के अंदर ये शेप क्या कर दी, आपस में ज्वाइन कर दी। ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, उसके बाद जो है वो इसको क्या करते हैं, हम फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं, सिंपल डिलीट। अच्छा, और कुछ शेप बना लेते हैं हम, और इसका जो है वो फिल नन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया, और यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और साथ ही इसको यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल से जोड़ देते हैं। इस सर्कल को जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। शेप बिल्डर टूल को मैं यूज करके बना रहा हूँ सारी, इसको यहाँ पे आप सेंट्रलाइज कर लें ताकि सेंटर में हो जाए, और इन दोनों को भी सेंटर में कर लें। ठीक है, इनका तीनों का जो है वो फिल मैं क्या कर देता हूँ, और रेड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक जो है, अब शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं यहाँ पे, और हम तीनों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कोई घड़ा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो यूँ जो है वो आप शेप वगैरह बना सकते हैं। इसको सिंपल आप इसके अंदर फिल करें, चेंज भी कर सकते हैं। ये अब सिंगल एक हमारे पास क्या बन गई है, शेप बन गई। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड पर रख लेते हैं छोटा करके। ठीक है, प्रेस करके छोटा करें ताकि ये सिर्फ एक शेप हमारे पास एक बन गया है। वो बिकर टाइप या फिर आप जो है वो इसको जो मर्जी कह सकते हैं, मर्तबान टाइप या कुछ भी बन गया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे एक और शेप बनाते हैं इसी से। लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के अंदर जो है वो मैंने ऑरेंज कलर कर दिया या ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रोक जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जो है वो पेन टूल से एक अलग शेप बना लेते हैं। ये मैंने एक शेप सी बना ली है। ठीक है, इसका मैं फिल कलर रेड कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने नन कर दिया। यहाँ से जो है मैं इसकी ऑल्ट के साथ तीन कापियाँ ले रहा हूँ। इन तीनों को मैं इसके ऊपर प्रेस करके, ठीक है, थोड़ा सा साइजिंग का बड़ा कर रहा हूँ, कुछ लोगो टाइप बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने शेप बिल्डर टूल लिया, सबको पहले सेलेक्ट कर लें। शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको
अच्छा यहाँ पे आप इसी तरह शेप्स को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का निशान आ रहा है, जैसे आप इसके ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे माइनस के साथ, ये क्या करता रहेगा, शेप्स को डिलीट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग किया तो ये माइनस, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रैग किया, और ये सिंगल सिंगल क्लिक करके आप जो है वो यूं की शेप बना सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये देखें कितनी जो है वो बेहतरीन इस किस्म के जो है वो आपको अगर लोगोज वगैरह बनाने को मिलें तो आप यूं जो है वो सिंपल बड़े आसानी से आराम से लोगो बना सकते हैं। अब ये सारे पार्ट्स जो है वो इसके सेपरेट हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सबको सिलेक्ट करता हूँ और इनको जो है वो ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये सारे इकट्ठे रहें हमारे पास, इसको भी साइड पर रख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और हम लोगो बनाते हैं अपने, मैं अपने नाम का लोगो बना लेता हूँ, आप अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कुछ। इसका कलर हम पिंक या फिर ग्रीन टाइप कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं, क्योंकि येलो जो है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे टाइप टूल से क्या करता हूँ, एच लिख लेता हूँ, यहाँ पे लग सके ये मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सर्कल के अंदर अंदर रहे। अच्छा, ये मैंने ले लिया यहाँ पे एच। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर शेप बिल्डर टूल लूँ तो यहाँ पे देखें सिर्फ सर्कल के ऊपर है, लेकिन इस शेप के ऊपर ये कोई असर नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं सर्कल को ये क्लिक भी करूँ तो ये क्या करता है, शेप और उसको सिर्फ शेप के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन पीछे जो है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करूँ तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, माइनस भी कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने पहले इस एच को जो है वो सॉरी इस एच को हमने क्या करना है, पहले चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट में आ जाना है, ऑब्जेक्ट में आके आपने क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है, और एक्सपैंड करने के बाद ओके करेंगे तो हमारे पास ये अब क्या बन गया है, शेप बन गई है, और शेप बिल्डर टूल से फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेना, और फिर जो है वो आपने इसको माइनस कर देना है एच को दरमियान से, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये यहाँ से माइनस किया, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्क आ गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ पे हम शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम, ठीक है, माइनस करने के लिए यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस, और यहाँ से जो है। ठीक है, तो आप यूं जो है वो अपने नाम के लोगोस वगैरह बना सकते हैं सिंपल। और उसके बाद जो है वो हम एक और लोगो बनाने की कोशिश करते हैं इससे। एक सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल लेने के बाद जो है वो मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको कट कर लेते हैं यहाँ से सेंटर से। ठीक है, डी बना रहा हूँ मैं, डी से डी का नाम जो है, और यहाँ शेप्स को सिलेक्ट करना है। शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, डी बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका कलर जो है वो मैं रेड कर लेता हूँ, और इसकी मैं तीन चार कॉपियाँ ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, इसकी कॉपी ले लेनी है नीचे यहाँ पे, और यहाँ से इसको जो है वो मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा छोटा चाहिए। इसी तरह जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ से जो है वो इसको कॉपी करके यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो जितना भी रेड कलर है वो सारा मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ से सिंपल, ऑल्ट प्रेस करके इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब जूम करके करते हैं ताकि सही तरह हो क्लियर ये। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको, इसे और इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से सारे मैंने क्या कर दिए, ये डिलीट कर दिए, और यहाँ से जो है वो इसको भी यहाँ से। ठीक है, तो यूं जो है वो हमारे पास एक डी का एक, अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलर डिफरेंट करूँ तो आपको तब नजर आएगा। ये देखिए हमारे पास डी जो है वो लेटर, अगर डी का आपने कोई लोगो वगैरह बनाना हो तो मैंने ये बना लिया, इसको ग्रुप कर देते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक डी कैपिटल भी, इसका लोगो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने नाम के आप डिफरेंट टाइप्स के जो है वो यहाँ पे लोगोज वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक
रफ सी डायग्राम वगैरह बनाना सिखाएंगे। इसको हम यूज करके जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जब एडवांस इसकी एडिटिंग की तरफ जाएंगे लोगोज वगैरह उसमें मैं आपको जो है वो इसको यूज करते हुए हम बेहतरीन किस्म के जो है लोगोज वगैरह बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।